नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, लंदन में स्थित बिग बैन के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। यह एक क्लॉक टावर है और ये लंदन के वेस्टमिंस्टर वार्ड में मौजूद है। सन 2012 के बाद बिग बैन को एलिजाबेथ टावर के नाम से भी जाना जाता है। बिग बैन को सन 1859 में ही बनाया गया था, मतलब आज से लगभग 107 साल पहले ही। इसकी टोटल हाइट है 96 मीटर और इसमें 11 फ्लोर्स भी बनाए गए हैं। बिग बैन के आर्किटेक्ट थे ऑगस्टस प्यूजिन और इसकी घड़ी हर घंटे में अलग अलग साउंड का अलार्म बजाता है। बिग बैन को सन 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और ऐसा माना जाता है कि यह घड़ी लंदन का सबसे सटीक समय दिखाता है। सन 1859 में बनाने के बाद 1878 में इस घड़ी का मूवमेंट एक हैवी स्नोफॉल की वजह से पहली बार के लिए बंद हो गया था। उसके बाद भी काफ़ी बार यह घड़ी बंद हो चुका है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 1916 में इसे 2 सालों के लिए बंद रखा गया था। दोस्तों, 21 अगस्त 2017 को एलिजाबेथ टावर में एक रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया था। 4 सालों तक चलने वाली इस रिपेयरिंग के बाद यहां एक लिफ्ट भी लगाया जाएगा और यहां मौजूद सभी लाइट्स को लो एनर्जी एलईडी लाइट्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस रिपेयरिंग के वजह से आने वाली जेनरेशन भी इस टावर को देख पाएगी। दोस्तों, बिग बैन जैसा ही एक टावर हमारे भारत में भी मौजूद है, जिसका नाम है राजाबाई क्लॉक टावर और ये क्लॉक टावर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कैंपस के अंदर मौजूद है। राजाबाई क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 1869 में और इसे ख़त्म किया गया था 1878 में। इसे बनाने में 5,50,000 का खर्चा आया था, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। इसे बनाने में एक काफ़ी बड़ा अमाउंट का डोनेशन उस वक्त के बिजनेसमैन प्रेमचंद रॉयचंद जी ने दिया था और इन्हीं के माता राजाबाई के नाम पे ही इस टावर का नाम भी रख दिया गया। राजाबाई क्लॉक टावर की टोटल हाइट है 85 मीटर्स और ये एक 25 मंजिली इमारत जितनी ऊंची है। उस वक्त में मुंबई का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी यही था। राजाबाई क्लॉक टावर के आर्किटेक्ट थे सर जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट, जो कि एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे। दोस्तों, इसे भी 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसी टावर के ग्राउंड फ्लोर में 2 साइड रूम्स भी बनाए गए हैं और इसके अंदर ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी भी बनाई गई है। इस टावर को भी अक्टूबर 2013 से लेकर मई 2015 तक रिपेयर किया गया था और इस रिपेयरिंग के वजह से राजाबाई क्लॉक टावर को यूनेस्को की तरफ से कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।